हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बीसीडी एडिशन के। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बीसीडी एडिशन का कंसेप्ट बता दिया है कि बीसीडी एडिशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें ऐड करना है 57 को 26 से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक नॉर्मल एडिशन कर लीजिए। 57 को हम 26 से ऐड करेंगे तो 6 + 7 = 13, 3 1 यहाँ आ जाएगा, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, 83 हमारा आंसर आ रहा है नॉर्मल एडिशन का। ये हम केवल चेक करने के लिए कर लेते हैं। अब हमें बीसीडी एडिशन करना है तो इस डेसिमल नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करिए और इसको भी आप बीसीडी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 57 को बीसीडी में कैसे लिखेंगे? 5 को हम लिखते हैं 0 1 0 1 और 7 को हम लिखते हैं 0 1 1 1। इसी तरह 26 को बीसीडी में कन्वर्ट करिए तो 2 हम लिखेंगे 0 0 1 0 और 6 हम लिखेंगे 0 1 1 0। इनको ऐड करिए, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 ये 0 आ जाएगा, कैरी 1, ठीक है, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, यहाँ पे 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 and 0। अब ये हमारा सम आ गया। इस सम में देखिए कि कौन सा हमारा वैलिड बीसीडी कोड है और कौन सा इनवैलिड है। तो इसका समेशन करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, इसका करोगे आप तो 8 + 4 = 12 + 1 = 13, यानी 13 हमारी इनवैलिड बीसीडी की रेंज में है। बीसीडी की रेंज हमें मालूम है 0 से 9 होती है और 10 से 15 हमारे इनवैलिड बीसीडी कहलाते हैं। तो ये 13 है यानी ये हमारा इनवैलिड बीसीडी है और ये हमारा एक वैलिड बीसीडी है। तो जो आपका इनवैलिड बीसीडी है ये इनवैलिड है, ठीक है। तो इनवैलिड बीसीडी को वैलिड बीसीडी में चेंज करने के लिए हम उसमें 6 ऐड कर देते हैं। तो 6 मतलब बाइनरी का 6 क्या होगा? 0 1 1 0 और ये हमारा वैलिड था इसीलिए हम इसमें 0 0 0 ही ऐड करेंगे। अब इसको एडिशन परफॉर्म करिए, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 0 विथ कैरी 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 1 and 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब ये देखिए, ये दोनों कोड हमारे वैलिड बीसीडी है कि नहीं, तो फिर से इनको 8 4 2 1 के थ्रू कन्वर्ट करिए तो ये 8 आ जाएगा और ये आपका 8 4 2 1 ये 3 आ जाएगा, यानी इस एडिशन का आंसर आपका 83 आ रहा है। दोनों हमारे वैलिड बीसीडी है तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी 83 आ रहा है। तो इस तरीके से हम दो बीसीडी नंबर को ऐड करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपन सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमें 569 को 687 से ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, नॉर्मल एडिशन कर लें। यहाँ पे साइड में 569 को 687 से ऐड करिए तो 9 + 7 = 16, 6 1, 6 + 1 = 7 एंड 7 + 8 = 15, 5 1, 5 + 1 = 6 और +6 तो ये आ जाएगा 12, 1 2 5 6। अब हमें लेकिन क्या करना है, हमें तो बीसीडी एडिशन करना है तो इन डेसिमल नंबर को बीसीडी में कन्वर्ट करिए। 9 को हम क्या लिखते हैं? 1 0 0 1। 6 को हम क्या लिखते हैं? 0 1 1 0। 5 को हम क्या लिखते हैं? 0 1 0 1। अब 687, तो 7 को हम क्या लिखते हैं? 0 1 1 1। 8 को हम क्या लिखते हैं? 1 0 0 0 और 6 को हम क्या लिखते हैं? 0 1 1 0। अब इनका एडिशन परफॉर्म करिए तो 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1, 1 + 1
जीरो, लेकिन यहाँ पे ये आ रही है आपकी कैरी, इसमें आपका एडिशन तो जीरो 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैरी आ रही थी जिसको हमने यहाँ कर दिया, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन एंड जीरो प्लस वन वन, इधर पे वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन जीरो विद कैरी वन एंड वन। अब ये हमारा सम आ गया, इनमें इन चारों कोड को आप चेक करिए कौन सा वैलिड बीसीडी है और कौन सा इनवैलिड है। तो ये हमारा इनवैलिड है क्योंकि अगर हम इसको बीसीडी में कन्वर्ट करें 8421 कोड में तो क्या आएगा 8421, 8 + 2 = 10 प्लस 1 = 11, तो 11 हमारा इनवैलिड बीसीडी की कैटेगरी में आता है क्योंकि बीसीडी की रेंज हमारी 0 से 9 होती है और 11 हमारा इनवैलिड बीसीडी कहलाता है। तो ये कोड हमारा इनवैलिड हो गया। ये हमारा कॉम्बिनेशन आएगा 15, 8421 करोगे जब 8421 तो इसका सम आएगा 15, ये 15 भी हमारा इनवैलिड है क्योंकि हमारी रेंज तो 0 से 9 है तो ये भी इनवैलिड बीसीडी। अब ये हमारे 000 है तो ये हमारा वैलिड बीसीडी है, लेकिन इस समेशन में आपने देखा था कि जब हमने 1 + 1 किया था तो 0 विद कैरी बनाई थी, तो मैंने आपको बीसीडी एडिशन के कुछ रूल्स बताए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, वहां पे था कि अगर आपका सम स्मॉलर देन और इक्वल टू 9 आता है लेकिन कैरी जनरेट होती है तो वहां पे भी हमें क्या करना है, ये हमारा इनवैलिड कहलाएगा। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बीसीडी एडिशन के कुछ रूल्स बताए थे, उस रूल्स में आप देखिएगा कि अगर हमारा ये जो समेशन है इसका जो रिजल्ट है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू 9 आता है लेकिन कैरी जनरेट होती है तो वो भी हमारा एक इनवैलिड बीसीडी हो जाएगा। और जब भी हमारे पास इनवैलिड बीसीडी होते हैं तो उनको हम वैलिड में कन्वर्ट करने के लिए इनमें हम 6 ऐड कर देते हैं, तो 6 क्या होता है बाइनरी में 0110, तो सम में आपको 0110 ऐड करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये तो वैलिड बीसीडी है लेकिन इसके समेशन में एक कैरी भी जनरेट हुई थी तो कैरी के कारण ये हमारा इनवैलिड हो गया, इसीलिए इसमें भी हम 0110 ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसका एडिशन करिए तो 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 0, इसको करोगे तो 1, 0 विद कैरी 1, 1 + 1, 0 विद कैरी 1, तो ये 1 आ जाएगा, 1 + 1, 0 विद कैरी 1, ठीक है, 1 + 1, 0 विद कैरी 1, 1 + 1, इसका आंसर 0, कैरी 1, 0 + 1, 1, 1 + 1, 0 विद कैरी 1, 1 + 1, 0 विद कैरी 1, तो ये हमारी कैरी कहलाती है एंड अराउंड कैरी, इस कैरी को हम एंड अराउंड कैरी कहते हैं। और अब इस ये हमारे समेशन का रिजल्ट आ गया, अब इस रिजल्ट को आप फिर से कन्वर्ट करिए अपने डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम चार चार के ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस 1 के साथ कोई भी और बिट नहीं है तो हम अगर 0 आगे ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक ग्रुप ये बन गया, तो ये हमें देगा 1, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 6, तो 1 2 5 6 आ रहा है, यहाँ देखिए आंसर आ रहा है 1 2 5 6। तो इस तरीके से हम दो बीसीडी नंबर को आपस में ऐड करते हैं। एडिशन के कुछ रूल्स मैंने बताए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, वहां पे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी होते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। बाय बाय।